तो आज कुछ अच्छा सीखते में आप सब लोगों का स्वागत है दोस्तों। ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ ये रेलिंग के बारे में वीडियो है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ब्रिज के ऊपर जो रेलिंग बनता है MNB के ऊपर, क्रैश बेरियर के पीछे जो रेलिंग रहता है फुटपाथ में, उसके कास्टिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती और उसकी आइडिया नहीं होती कैसे करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो शटर है, एक कॉलम का शटर है जो कि हम लोग यहाँ पे कास्टिंग सीटू करते हैं, और जो हम लोग यहाँ पे जो बीम लगी हुई आपको दिख रही है, ये जो पोस्ट कहेंगे हम जिसको, जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है वो प्रीकास्ट बनता है। वहाँ पे जो शटर रखा हुआ है आप देख सकते हैं, वहाँ पे हम इसको कास्टिंग करते हैं। कास्टिंग करने के बाद इसको यहाँ पे हम लोग ये शटर लगाते हैं। शटर लगाने के बाद इसके कॉलम में रिंग वगैरह रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ब्लॉक के सहायता से इसको प्लेसमेंट किया है। आप इसको एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं, नीचे स्टार्टर डाल के डायरेक्टली आप स्टील बीम में भी डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर प्लेस कर सकते हैं, या तो आप एक साथ डायरेक्टली तीनों को एक के ऊपर एक रख के प्लेसमेंट कर सकते हैं। और ये शटर में नट बोल्ट दिए हुए रहते हैं पूरे, और नट बोल्ट के ज़रिए हम इसको टाइट करवा के इसके अंदर कंक्रीट को प्लेस करते हैं। और इस तरह से ये बनने के बाद कुछ ऐसा बनता है। और यहाँ पर कुछ अभी फिनिशिंग एक्टिविटी बाकी है इसकी, अभी यहाँ पर फिनिशिंग एक्टिविटी भी नहीं, कंप्लीट होने के बाद ये बहुत ही बेहतरीन नज़र आता है और दिखने में एकदम बढ़िया लगता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो क्रैश बेरियर के पीछे रेलिंग बीम बनी हुई है और बहुत ही अच्छी तरह से दिख रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जब इसको पेंट वगैरह हो जाएगा तो ये बहुत ही अच्छी दिखेगी। दोस्तों जब तक कोई चीज़ें हम जानते नहीं तब तक वो चीज़ें हमारे लिए डिफ़िकल्ट होती है, जानने के बाद चीज़ें आसान लगने लगती है। तो ऐसे ही ये रेलिंग कास्टिंग का होता है, लोगों को समझ में नहीं आता इसको कैसे कास्ट करते हैं। तो ये सारी प्रोसीजर थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।